हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अनिल कुमार, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष महत्वपूर्ण पर स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, जो आज सामने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है उसकी बात करेंगे कि दी गई आकृति में उभयनिष्ठ आधार बीसी पर रेखा बीसी के विपरीत और दो समद्विबाहु त्रिभुज पी बी सी और क्यू बी सी स्थित है। सिद्ध करो कि पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा बी सी को समकोण पर समद्विभाजित करती है। यहाँ पे ये पी बी सी और क्यू बी सी दो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दे रखा है अपने को। सिर्फ ये करना है कि जो पी क्यू है ना, वो बी सी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। कहने का मतलब ये सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है और यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों, 90 डिग्री का। तो देखिएगा कैसे करते हैं। पहली बात, कभी भी अपने को कोई भी दो त्रिभुज दे रखे हो और उनमें भुजा बराबर करनी हो या फिर कोण बराबर करना हो तो अपने को सर्वांग समता करनी पड़ेगी, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। और यहाँ अपने को ये इस त्रिभुज से बात करें, यहाँ पे मान लेता हूँ M, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं M, तो यहाँ पे पी बी एम और पी सी एम दो त्रिभुज बन गए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। दोनों त्रिभुजों में अपने को भुजा बराबर करनी है तो इन दोनों क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। और सर्वांग सम सिद्ध करें तो अपने को चार नियम है, एस एस एस, एस ए एस, आर एच एस और ए एस ए नियम। ये चारों नियम लगे तो सर्वांग सम होगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये भुजा इसके बराबर है और ये उभयनिष्ठ हो गई। अब अपने को देखो, दो भुजाएं बराबर हो गई तो या तो तीसरी भुजा बराबर होनी चाहिए या बीच का कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अपन ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये कोण इसके बराबर है, तो ऐसे सीधा तो इसको क्या नहीं कर सकते, सोल्व नहीं कर सकते। तो देखिएगा, पहले तो ये लिखते हैं अपन क्या दिया हुआ है, और मैं लिखता हूं दिया है दो समद्विबाहु त्रिभुज, दो समद्विबाहु त्रिभुज पी बी सी व त्रिभुज क्यू बी सी एक ही आधार बी सी के विपरीत और स्थित है। ठीक है, अपने को इसका मतलब अपने को क्या पता लगा कि यहाँ पे पी क्यू है ना वो किसके बराबर है, पी सी के बराबर है, और बी क्यू है ना वो किसके बराबर है, सी क्यू के बराबर है। सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है कि पी क्यू, सिद्ध क्या करना है अपने को कि पी क्यू बी सी को समकोण पर समद्विभाजित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अपने को ये सिद्ध करना है कि बी एम बराबर सी एम और कोण बी एम पी कर सकते हो या सी एम पी, दोनों 90 डिग्री, या फिर आप नीचे ये भी कर सकते हो कि क्यू बी एम और सी सॉरी क्यू एम बी और सी एम क्यू, ये भी आप कर सकते हो। देखिएगा दोस्तों, इसमें अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सुनिएगा, पहले अपन ये त्रिभुज ले लें। यहाँ देखिएगा, ये त्रिभुज ले लू मैं, एक तो ये त्रिभुज ले लो और एक ये त्रिभुज ले लो। तो इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, ये अपने को इसके बराबर दे रखी है, ये इसके बराबर दे रखी है, और ये क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ आधार हो जाएगा, सॉरी उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और अपना काम हो जाएगा। तो देखिएगा, मैं लेता हूँ पी बी क्यू, तो यहाँ लेता हूं मैं त्रिभुज पी बी क्यू व त्रिभुज पी सी क्यू से, पी सी क्यू से अपने को यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा, पी बी बराबर पी सी, पी बी बराबर पी सी कहाँ से आया, दिया है। फिर क्या है, बी क्यू बराबर सी क्यू, तो यहाँ पे लिखूंगा बी क्यू बराबर सी क्यू, ये भी कहाँ से आया, दिया है। और इसके बाद पी क्यू और पी क्यू दोनों में क्या है, पी क्यू बराबर पी क्यू दोनों में क्या है दोस्तों, उभयनिष्ठ है। इसका मतलब एस 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 रूल से, नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी बी क्यू सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज
बी सी क्यों। और बताओ सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं संगत कोण बराबर होते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ये कोण ही लो, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है। अब नीचे वाला त्रिभुज लोगे तो ये कोण रही है, कोण भी इसके बराबर हो जाएगा, तो ये भी ले सकते हो। तो इसका मतलब मैं ऊपर वाला लिखता हूँ कि बी पी एम, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कोण बी पी क्यू बराबर कोण सी पी क्यू। देखिएगा बी पी क्यू और सी पी क्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ कोण बी पी एम बराबर कोण सी पी एम। और ये क्वेश्चन नंबर क्या लगा सकता हूँ, वन लगा सकता हूँ। देखिएगा अब अपन क्या पहले बात किया था, ये ऊपर वाला। देखिएगा दोस्तों अब मैं ये त्रिभुज ले सकता हूँ, यहां से देखिएगा ये त्रिभुज और यहाँ पे ये त्रिभुज ले सकता हूँ। इन दोनों से क्या होगा कि ये इसके बराबर दे रखी है, ये उभयनिष्ठ है, और ये कोण अपन ने समीकरण एक से सिद्ध कर दिया। तो ऐसे ऐसे नियम से ये क्या हो जाएगा, सर्वाक्षम हो जाएगा। तो त्रिभुज कौन सा लू, पी बी क्यू, त्रिभुज पी बी क्यू व त्रिभुज सी पी क्यू से। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि अपने को दे रखा है कि पी बी बराबर सी पी। ये कहाँ से आया, दिया है पी बी बराबर पी बी, पी सी लिख सकते हो या सी पी लिख दो। ठीक है यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद पी एम बराबर पी एम, पी एम बराबर पी एम, ये क्या है उभयनिष्ठ। और इसके बाद कोण पी बी क्यू, सॉरी पी बी क्यू, तो ये पी बी क्यू तो चाहिए ही नहीं अपने को, पी बी क्यू बराबर होगा। लेकिन यहां पे देखिएगा दोस्तों एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा बी पी क्यू, क्या बी पी क्यू बराबर हो जाएगा सी पी क्यू, क्या हो जाएगा सी पी क्यू। और इसको अब लिख सकते हैं पी बी एम बराबर सी पी एम, सॉरी। ठीक है अब यहाँ पे पी बी एम लिखूंगा मैं, यहाँ पे क्या लिखूंगा पी, सॉरी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन बी पी एम बराबर कौन सी पी एम। और ये कहां से आया, समीकरण एक से। और इसका मतलब हो जाएगा एस ए एस रूल से त्रिभुज पी बी क्यू सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी पी क्यू। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां से कर सकता हूँ बी एम बराबर सी एम, तो यहाँ पे कर सकता हूँ बी एम बराबर सी एम। बी एम बराबर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ बी एम बराबर क्या सी एम। तो ये तो बराबर सिद्ध हुआ कि भाई दोनों को समद्विभाजित कर रहा है। और अपने को पता है यहाँ से आपका पी एम बी और पी एम सी, तो कोण पी एम बी बराबर कोण पी एम सी, ये क्या हो जाएगा संगत कोण बराबर है तो हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि रैखिक कोण युग्म से आप क्या कर सकते हो, रैखिक कोण युग्म से अब एक ही रेखा पर बने हुए सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 90 डिग्री होता, सॉरी 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो बी एम पी या पी एम बी, पी एम बी और पी एम सी, तो कोण लिख सकते हो पी एम बी प्लस कोण पी एम सी बराबर कितना, 180 डिग्री। यहां से समीकरण नंबर 2 से आप पी एम बी का मान रख सकते हो या पी एम सी का मान रख दो, तो मैं रख देता हूँ पी एम पी, तो ऐसे कैसे, और पी एम सी का मान पी एम बी रख देता हूँ बराबर कितना, 180 डिग्री। यहाँ पे 2 कोण पी एम बी बराबर 180, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कोण पी एम बी बराबर 180/2, और यहाँ पे पी एम बी बराबर 90। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब पी एम बी और पी एम सी दोनों बराबर हैं, तो पी एम बी का मान 90 है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो पी एम है वो लंब किस पे है, बी सी पे। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पी एम लंब है किस पे, बी सी पे। और पी एम यदि बी सी पे लंब है तो अपने एम जो बिंदु है वो पी क्यू पर ही माना था, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि जो पी क्यू है ना क्या है,
पी क्यू लंब है किसके, बी सी के। तो यहां से तो लंब लंब हुआ कि लंब है, और यहां से क्या हो गया, समद्विभाजित हो गया। तो इसलिए अपन ये लिख सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि पी क्यू है, जो पी क्यू रेखा है वो बी सी पर, बी सी को क्या करती है, लंब समद्विभाजित करती है। और ये अपना क्या हो जाएगा, तीसरे एकदम हैंड्स प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दी गई आकृति में उभयनिष्ठ आधार क्यू आर पर एक की ओर दो समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू आर और क्यू एस क्यू आर स्थित है, तो सिद्ध करो कि एस पी रेखा क्यू आर के लंबवर्धक है। यहाँ पे आपको दे रखा क्या है, दिया हुआ ये है कि आकृति में दिया है, आप लिख दोगे कि मैं सीधा कर देता हूं थोड़ा सा, दिया है दो समद्विबाहु त्रिभुज, दो समद्विबाहु त्रिभुज एक ही आधार किस पर, क्यू आर पर एक ही ओर स्थित है, और वो त्रिभुज कौन से हैं, त्रिभुज एक तो है एस एस क्यू आर व त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, सिद्ध आपको करना है, सिद्ध क्या करना आपको, सिद्ध करना है कि रेखा एस पी रेखा, देखो ये दे रखी है यहाँ पे, रेखा एस पी रेखा क्यू आर की, एस पी रेखा एस पी क्यू आर की लंब अर्धक है, क्या है, लंब अर्धक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, उसमें दोनों तरफ विपरीत ओर था, तो उसमें सर्वांगसम कर लिया, इसमें दोस्तों सर्वांगसम अपन नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए कई टीचर्स बताते हैं कि कोई भी दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर कर दो तो वो सर्वांगसम हो जाएगा, लेकिन ये क्या है दोस्तों, गलत है, क्योंकि यहाँ पे अपने को पता है कि एस ए एस रूल सही है, लेकिन ए एस एस और एस एस ए रूल कतई सही नहीं है। इसका मतलब दो भुजाओं के मध्य का यदि कोण बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, दो भुजाओं के मध्य का यदि कोण, संगत भुजाओं के मध्य का कोण यदि बराबर है तो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, वरना सर्वांगसम दोस्तों नहीं होंगे। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि अपन इसको सर्वांगसम सिद्ध करके अपन प्रूव नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, देखिएगा एक बार यहाँ पे अपने पास देखो, मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे जो एस पी रेखा है ना वो इसका लंबवर्धक है, लंबवर्धक का मतलब वही बात कि 90 डिग्री और समद्विभाजित करती है, ये इसको क्या करती है, समद्विभाजित करती है। देखो आप ये कहोगे कि सर सर्वांगसम कर लेते हैं और वो हो जाएगा, तो सर्वांगसम कैसे होगा दोस्तों, ये इसके बराबर दे रखिए, ये उभयनिष्ठ है, बीच का कोण बराबर नहीं सिद्ध कर सकते अपन, ना ऊपर वाले त्रिभुज में कर सकते एस क्यू आर में, ना पी क्यू आर में कर सकते हैं, तो इसलिए अपन यहाँ पे एक बात लिखेंगे कि हम ये जानते हैं कि किसी त्रिभुज सॉरी दो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, क्या दोबारा बोलता हूं, तो हम जानते हैं कि दो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबवर्धक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को उल्टा भी सत्य है कि यदि दो बिंदुओं से किसी बिंदु की दूरी समान है या कोई भी बिंदु दो बिंदुओं से समदूरस्थ है तो वह बिंदु दिए गए दो बिंदुओं से क्या होगा, उसके लंबवर्धक पर स्थित होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये बिंदु एस है, उसकी दूरी क्यू से और आर से समान है, इसका मतलब बिंदु एस क्यू आर के लंबवर्धक पर स्थित होगा। इसी प्रकार बिंदु पी की दूरी क्यू से और आर से समदूरस्थ है, इसलिए बिंदु पी भी क्यू और आर के लंबवर्धक पर स्थित होगा। इसका मतलब एस पी रेखा क्यू आर के कहाँ स्थित है, लंब अर्धक पर स्थित है। एस पी रेखा कहाँ स्थित है दोस्तों, एस पी रेखा क्यू आर के लंबवर्धक पर स्थित है। यहाँ पे इसलिए मैं करता हूं, देखिएगा यहाँ पे अपने को उत्पत्ति लिखता हूं सीधा, और उत्पत्ति करें तो हम जानते हैं कि उस बिंदु का बिंदु पथ, इस बिंदु का बिंदु पथ जो दिए हुए बिंदुओं से समान दूरी पर हो, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का
लंब अर्धक होता है। इसका मतलब है कि हम ये जानते हैं कि उस बिंदु का बिंदुपथ जो दिए हुए बिंदु से समान दूरी पर हो, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होता है, लंब अर्धक होता है। तो अतः अपन ये कह सकते हैं, अतः जो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या लिखता हूं कि जो एस बिंदु है वो किससे दे रखा है, यहाँ पे अपन ये लिखते हैं कि देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं कि क्यू एस बराबर क्या हो गया, आर एस, ये दिया हुआ है अपने को, ये कहा है। अतः मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पी बिंदु, इसलिए क्या कह देता हूँ, एस बिंदु, सॉरी एस बिंदु क्यू आर के कहाँ स्थित है, लंब अर्धक पर स्थित है, बताओ है कि नहीं है, है। और इसी प्रकार अपन ये कर देते हैं, इसी प्रकार देखो, अपने को ये भी दे रखा है कि पी क्यू बराबर क्या है, पी क्यू बराबर पी आर, है कि नहीं है, पी क्यू बराबर क्या दे रखा है, पी आर, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें अपन यहाँ पे ये कह देते हैं कि बिंदु पी बिंदु बी कहाँ स्थित है, क्यू आर के लंब अर्धक पर स्थित है। अब देखिए, यदि पी बिंदु पी यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि एस बिंदु और पी बिंदु दोनों क्यू आर के लंब अर्धक पर स्थित है, दोनों कहाँ स्थित है, पी आर के लंब अर्धक पर स्थित। और अपने को सिर्फ तो यही करना है कि जो एस पी रेखा, इसलिए क्या है कि एस पी रेखा ये जो मिलाने वाली दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, ये भी कहाँ स्थित होगी, क्यू आर के लंब अर्धक पर स्थित होगी। तो अपने यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि रेखा खंड एस पी आधार क्यू आर ए के लंब अर्धक पर स्थित है, ठीक है। तो इसका मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि अतः एस पी रेखा क्यू आर की क्या है, लंब अर्धक है, ये आगे लिख सकते हो आप, और ये क्या हो गया, समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको और किसी क्वेश्चंस में डाउट है, और किन्हीं क्वेश्चंस में भी डाउट है, किसी प्रकार के क्वेश्चंस में भी, तो आप पहुंच सकते हो, जरूर बताया जाएगा। धन्यवाद।